साथियों, ये एक ऐसा समय है, अगर आपने इसको सही से इस्तेमाल कर लिया तो आपका सिलेक्शन होगा। कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। पूरा आपका जीके का मास्टर प्लान रेडी है, कैसे आपको जीके पढ़ना है ये पूरा कंप्लीट बताया हूँ। कैसे पढ़ना है आप एक बार समझ लीजिएगा, तो उम्मीद है आपके जीके में 25 स्कोर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन मतलब लगभग आपके 50 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि जीके ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है मेरिट में आने के लिए। बाकी सब्जेक्ट में तो आप ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन जीके का अगर आपने 20 के नीचे क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहीं से आप मेरिट में बाहर होने का सबसे बड़ा आपका जो होता है कारण, जीके अगर आपकी मजबूत नहीं है तो मेरिट में आप बाहर हो जाते। आप कई एग्जामों में देखे होंगे कि जीके की वजह से आप मेरिट से बाहर हुए हैं। तो जीके को स्ट्रॉन्ग करना है, अभी आपके पास समय है। 25 दिन एक बार रिवीजन सही से कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे तो आप कर लेंगे। और इस समय क्या है कि YouTube पे आपको बहुत से चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एक चैनल से आपको पढ़ना है, ना कि आप RWS पढ़ रहे, एग्जामपुर से रैंकर, गुरुपुर, उत्कर्ष हो गया, बहुत से यूपी संगम, बहुत से चैनल हैं। एक चैनल पर विश्वास करें और जिस भी टीचर से पढ़ें लाइव मत जाना, क्योंकि लाइव इस समय जाने का मतलब है मूर्ख वाला काम करना। अगर वहाँ आपको लाइव में इस समय क्या होगा, जैसे वो 2 घंटे की आपको जीके की वीडियो बता रहे हैं तो 2 घंटे वहाँ आप समय बर्बाद करेंगे। वही चीज़ जब क्लास हो जाती है तो उसमें 2 घंटे में क्या है कि वो आप 1.5 गुना 2 गुना स्पीड से देखेंगे अपने हिसाब से, और जो चीज़ें आप आएंगे उसको स्किप करेंगे तो लगभग आपका 1 घंटे के अंदर वो वीडियो समाप्त हो जाएगी। और इससे ज़्यादा आपको 1.5 घंटा से ज़्यादा लाइव में समय भी देना भी नहीं, क्योंकि लोगों कई इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आ गई, इससे बाहर जीके नहीं जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। जितना आप ऑनलाइन पढ़ेंगे उतना आपके दिमाग से उस समय तो आपके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे और नोट भी नहीं करेंगे आप। ये चीज़ें आपको नुकसान, अगर वहाँ आप नोट करने बैठेंगे ना तो आप केवल नोट करते ही करते आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जैसा बता रहा हूँ पूरा आपका प्लान रेडी किया हूँ, आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, करंट पे आपको क्या फोकस करना है, क्योंकि करंट भी आपका डिसाइड करती है। मैंने तो करंट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, मेरा केवल क्या था, जीके पढ़ने का एक तरीका मेरा था कि मैं थ्योरी पढ़ता था उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ता था। मेरे पास लूसेंट की बुक थी और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव थी। इसमें आपके पास मार्केट में बहुत सी किताबें NCERT, क्योंकि पहले क्या आता था लूसेंट का बोलबाला था, लेकिन इस समय NCERT किताबों का बोलबाला है। तो उस समय क्या करा, मेरे 25 क्वेश्चन थे, मैंने करंट नहीं पढ़ा था, UPGK भी काम भर का पढ़ लिया था। UPGK के लिए आपकी परीक्षा वाणी बुक बेस्ट है। ये सारी किताबें जो मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आपको जैसे GK के लिए आपके अगर नोट्स हैं तो सबसे बेहतरीन काम है नोट्स अपने जो आपने बनाया उससे पढ़िएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मेरे पास जैसे किताबें हैं NCERT की, आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। महेश वर्णवाल की होगी, पूजा पब्लिकेशन, ये सारी किताबें हैं। उसके बाद एग्जामपुर के भी जो महाभारत के आए थे उसमें देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको एक बार कर लीजिएगा, उसके PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे क्या करना है कि उनके मॉड्यूल टेस्ट में उसमें भी इंपॉर्टेंट नोट्स टाइप उसको पढ़ सकते हैं। या भी जो खाकी बैच का है RWA के, उसके नोट्स जो है मैंने GK वगैरह के सब कुछ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया, उससे भी आप अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर कर सकते हैं। और किताबों से भी जो आपके पास है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बता दिया, तो क्योंकि GK ही आपका समझ लीजिए सिलेक्शन डिसाइड करती है GK को पढ़ने का। और एक चीज़ और है, अगर आप GK को और थोड़ा सही से पढ़ना चाहते हैं तो जिनके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो है उनके लिए सबसे बेहतरीन है। तो अभी टेक्स्ट बुक में सेल आई है सिलेक्शन मेरा हक, तो इसमें आपको 395 रुपये में टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। इस पर खास चीज़ें क्या है, जैसे आप देखेंगे आपको करंट अफेयर की प्रैक्टिस करना है, GK UP GK की प्रैक्टिस करना है, GI Tag की करना है, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये सारे टॉपिक आपके GK के जो इम्पोर्टेंट रहता है, हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स में क्या है, ये सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो GK के लिए क्या, अन्य सब्जेक्ट में भी आपको टेक्स्ट बुक के जो ये है वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी। और जो टेक्स्ट बुक लिए होगा उसको पता होगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मुझे लग रहा है कि एवरेज आपका नंबर जो है वैसे ही रहता है, ज़्यादातर जो है उनके क्वेश्चन आपके फंसते हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं आपको टेस्ट कोई बहुत ईजी बना देता है, कोई बहुत हार्ड बना देता है, लेकिन एक टेक्स्ट बुक का क्या है कि एवरेज चीज़ें मॉक में बनाना। तो जाइएगा, इसको अगर परचेज करना है तो मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे M10, आपको 12% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके इसको मेरा परचेस कर सकते हैं।
अब देखो इम्पोर्टेंट इसमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे आप जीके की आपके पास जो भी है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समय मिलता है तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट आपका क्या है ऑब्जेक्टिव में जीके, और पहले थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सब ना पढ़िएगा क्योंकि अब आपके पास समय नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट है जो आपको लग रहा कि इसमें थ्योरी में नहीं मिला है ऑब्जेक्टिव से आपको वो कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव मेन मेन इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव बुक भी आपको टेलीग्राम पर मेरे मिल जाएगी, जैसे आपको ट्यूशन वगैरह की, तो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये हिस्ट्री का टारगेट है। हिस्ट्री में आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको हिस्ट्री 3 दिन में कंप्लीट करना है, उसके साथ साथ में आपको यूपी जीके और करंट पढ़ना है। यूपी जीके के लिए आप यूथ की बुक से पढ़ सकते हैं, और जैसे आपका परीक्षा वाणी हो गया, RW की बुक हो गई, बहुत सारी बुकें हैं, और करंट के लिए एक ही किताब सबसे बेस्ट है स्पीडी, उससे पढ़ सकते हैं। तो ये आपको हिस्ट्री 3 दिन में पूरे चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके साथ आपको डेली थोड़ा बहुत यूपी जीके का कवर करना है और थोड़ा सा करंट, और बाकी अभी यूपी जीके के टॉपिक बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, और करंट के भी मैं बताऊँगा आपको। तो जैसे इसमें हिस्ट्री में आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर साम्राज्य, बंगाल की गवर्नर, 1857 की क्रांति, आधुनिक कांग्रेस स्थापना, गांधी युग, क्योंकि गांधी युग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्वतंत्रता संघ थे, इससे इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इतिहास के प्रमुख आंदोलन और स्वतंत्रता संबंधी पुस्तकें, और अन्य जो आपके कुछ छूट रहा हो तो उसको देख लीजिएगा। अब बात करें संविधान में, संविधान भी आपको 3 में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एक बार कवर कर लीजिएगा, जैसे संविधान का विकास में क्या योगदान था, कैसे आया पूरा, कैबिनेट मिशन में जैसे क्या था ये चीज़ें, फिर प्रस्तावना से आपके क्वेश्चन आते हैं, संविधान के प्रमुख स्रोत जैसे अन्य देश से क्या लिया गया, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद संविधान की समितियों से भी 1-2 क्वेश्चन आपके कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल एक बार संसदीय निकास देख लेना, कभी कभी पूछ लेता है। प्रमुख अनुसूचियाँ हो गई जैसे अनुच्छेद हो गया, भाग हो गया संविधान के कौन कौन से क्या, संसद से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, मौलिक कर्तव्य हो गया, भारत की नागरिकता हो गई, जो अभी नया कानून आया CA उसको एक बार देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके हो गए, राष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों का पुनर्गठन, निर्वाचन आयोग जरूर पढ़ना क्योंकि इस बार इलेक्शन था, राज्यपाल हो गया, वित्त आयोग हो गया, प्रमुख आयोग हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हो गया, प्रमुख संविधान संशोधन हो गया, और ये आपके हो गया, ठीक है, इस 3 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जो 7वां दिन आएगा उसको रिवीजन कर लेना जो आपने पढ़ा है पूरा अच्छी, क्योंकि साथ में आप UPGK करेंगे और करंट, क्योंकि UPGK एक करंट एक दिन में नहीं पढ़ सकते, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और भूगोल की बात करें, भूगोल में आ जाता है आपके काफ़ी चैप्टर हैं, जैसे पहला सौरमंडल हो गया, प्रमुख महाद्वीप, ये सारे जैसे अंतर्राष्ट्रीय वाला भूगोल हो गया, फिर महासागरीय जलधारा, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख नदी, विश्व की प्रमुख मुद्रा राजधानी, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी आते हैं, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से तय है, प्रमुख घास के मैदान, इससे भी आपका एक क्वेश्चन तय है, भारत के पड़ोसी देश जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य किस पड़ोसी देश से सटा हुआ है ये जरूर आता है, प्रमुख बंदरगाह हो गया, भारत की नदियां में आ जाते हैं, भारत की नदियां, भारत के प्रमुख पर्वत, भारत की झीलें, भारत के प्रमुख दर्रे, भारत की प्रमुख फसल, भारत की मिट्टियां, भारत के वन्य जीव अभयारण्य, ये सारे आपका जो ज्योग्राफी है 4 दिन में आपको कंप्लीट करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके साथ जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व करिएगा। उसके बाद भारत की नदी घाटी परियोजना, भारत की जनजातियाँ, भारत की जलवायु, भारत के खनिज संसाधन, परिवहन, जनगणना, विविध जो आपका बच रहा हो उसको के लिए, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, अर्थव्यवस्था के जैसे क्षेत्र से होगा, क्या स्रोत हैं, क्या मिश्रित बेरोजगारी, ये सारे होते हैं, एक बार देख लीजिएगा, राष्ट्रीय आय का एक बार देख लीजिएगा कैसे क्या निकालना रहता है, पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आपका इससे तय है, और भारतीय कृषि से एक बार पढ़ लेना, GST पढ़ लेना, बैंकिंग पढ़ लेना, प्रमुख महाराष्ट्र में 9 रात कंपनियाँ जरूर पढ़ना है। उसके बाद ये आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है, साथ में आपको करंट और UPGK लेकर चलना है। स्ट्रैटेजिक जीके की बात करें, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व के प्रमुख संगठन, प्रमुख पुरस्कार, राज्यों के लोकनृत्य और प्रमुख राज्यों के त्यौहार, प्रमुख मंदिर हो गए आपके, प्रमुख उद्यान, पक्षी अभयारण्य रामसर साइट, प्रमुख पुस्तकों के लेखक, प्रमुख नदी किनारे बसे शहर, प्रमुख दर्रे पर्वत ज्वालामुखी, GI टैग हो गया, ये सारे आपको पढ़ना है, ये सारे 4 दिन में आपको स्टैटिक जीके करना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट छूट रहा है आपको स्क्रीन पे भी अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट और बताऊंगा, उस पर उन सारों को आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद करंट की बात करें, जो कि आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, करंट में आपके कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो करंट के लिए अभी युद्ध अभ्यास आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और साथ में अगर कुमार गौरव सर की भी जो वीडियो आई थी लास्ट 6 मंथ उसको जरूर कंप्लीट कर लेना, उससे आपके काफ़ी हेल्प मिलेगी और समझ में भी आएगा, उसको 2 बार जरूर देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो स्क्रीन में आप देखना चाहते हैं।
जाते हैं, रैंक भारत की विविध क्या है, कौन से सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है, प्रश्न में क्या है, पासपोर्ट में क्या है, ये सारे क्वेश्चन एक इससे तय है। प्रमुख खेल हो गया, मोदी कैबिनेट जो अभी आपकी बनी थी कि क्या कौन क्या है, इससे क्वेश्चन आपका बनना तय है। एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में क्या पता है कुछ ना कुछ पूछ ले। पुरस्कार हो गया जो भी मिले, नवीनतम पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट हैं आपकी, प्रमुख सम्मेलन हो गया, लोकसभा चुनाव से जो आपके बन है क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, क्योंकि तो जो हाल ही में हुआ उनसे ज़्यादा बनता है, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएँ जो आती हैं उनको जरूर देखिएगा। ब्रांड अम्बेसडर ये जरूर पढ़ना, प्रमुख थीम जो क्या थी, भारत रत्न अभी जो दिए गए उनको पढ़ लेना, नोबेल पुरस्कार वगैरह जो भी, और जो शेष आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको जरूर पढ़िएगा, जो 500-600-700 उनको एक बार जरूर संसदीय से 2 बार तो कंप्लीट कर लेना, वहाँ से आपका काम हो जाएगा करंट का, वहाँ से झंझट कर। अगर 7 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन 101% सही होगा, जैसे मैंने बताया उसको पढ़ लीजिएगा। और बात करें यूपी जीके की, तो यूपी जीके में जैसे उत्तर प्रदेश की नदियाँ हो गई, झील हो गई, यूपी के राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख मेले हो गए, प्रमुख मंदिर हो गए, प्रमुख जनजातियाँ, कृषि उत्पादन, प्रमुख व्यक्ति के प्रसिद्ध हैं जो जैसे इतिहास में प्रसिद्ध है, मंगल पांडे हो गया, ये सारे, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे कहाँ से संबंधित है ये जरूर पढ़ लेना। और उसके बाद यूपी का बजट, साहित्य की पत्रिकाएँ, प्रमुख नृत्य, ये सारे पढ़ लेना। बुक मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, उम्मीद है आप सभी चीज़ें समझ में होंगे। इसके मैं जो वो PDF है उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा या कम्युनिटी पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट, वहाँ से अपना नोट कर सकते हैं। इसी शेड्यूल से आप पढ़िएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, केवल किताबों से फोकस करेंगे आपका काम हो जाएगा बस, क्योंकि ये समय है, अगर आपने समय का सही उपयोग किया तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहते हैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपके जवाब दूंगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं बैठा हूं। तो जो भी आपके डाउट आ करें, अगर मैं यहां नहीं दे पाता हूं तो आप पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज करिए या इंस्टाग्राम पे करिए, मैं वहां आपके जरूर जवाब दे, क्योंकि यहां बहुत से कमेंट हो जाते हैं, सबका जवाब देना उचित नहीं रहता है क्योंकि समय नहीं रहता इतना, तो पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं जरूर रिप्लाई आपका दूंगा।